अगर किसी परिंदे की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकता। लेकिन ईगल एक ऐसा बर्ड है जो जानबूझकर ही अपनी चोंच को तोड़ देता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए भी कि बिना चोंच के वो भूखा मर सकता है, तो फिर भी वो अपनी चोंच को क्यों तोड़ता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। ये अपनी नुकीली चोंच से बड़े शिकार को चीर फाड़ सकता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 साल तक हो जाती है तो इसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए ना ही ये ईगल डंक से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है, और ईगल के मरने की नौबत आ जाती है। इसके बाद वो एक ऊंची चट्टान पर चला जाता है और पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीने भूखा रहने के बाद इसकी नई चोंच उगाती है और अभी अपनी नई नुकीली चोंच की वजह से पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर 2 से 3 महीने की दर्द भरे प्रोसेस के बाद ईगल आसमान में राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना।